कोई करोड़पति या लखपति तो ये लेगा नहीं। इसमें उड़द का पापड़ भी बन सकता है, चौड़ा फड़ी, मठिया, छोटा वाला डिस्को पापड़ और पानी पूरी, ये सब इसमें बन सकता है, ये सब खाने की आइटम। ओके। और मैं मेरी एज है 68 ईयर। कस्टमर घर पे आके ले जाते हैं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, डर क्या कीजिए, ये तल के खाते हैं। तो मेहनत जो जितनी है वो सब मशीन करते हैं। हमने सुना यहाँ रिएक्शन करके कोई कंपनी थी, खाने की आज में मेरे हिसाब से कभी मंदी होती नहीं। क्या ये पापड़ जो हमारे पापड़ का स्टॉक है, देखो कोई करोड़पति या लखपति तो ये लेगा नहीं। जिसको थोड़ा पैसे की आमदनी की एक्स्ट्रा इनकम चाहिए वही लेगा, और जिसको थोड़ी बहुत मुश्किली होगी वही ये लेगा उन मुश्किली को पार करने के लिए। इसमें हमारे गुजराती में एक कहावत होता है, विपत पड़े न विरखिए, वलखे विपत न जाए, विपत उधम ने कीजिए, उधम विपत ने खाए। उसका मतलब यही है कि विपत माने मुश्किली, मुश्किली आने के डरना नहीं, घबराना नहीं, उसके सामना करो, मेहनत करो, उद्यम करो, तो उससे वो आपकी मुश्किली दूर हो जाएगी। उसके लिए ये पापड़ का बिजनेस अच्छा है, इसके ठीक से चलाओ तो अपना घर आराम से चल सकता है। धंधे में डर की कोई बात है नहीं, ये खाने का बिजनेस है। अगर खाने की बिजनेस में कभी कोई भी मंदी आती नहीं, वो तो हरदम चलने वाला चीज है। और ये जो मशीन है इसमें आप ये अभी जो बन रहा है चोखा का खिचू का पापड़ बोलते हैं, गुजराती में खिचू पापड़ बोलते हैं, ऐसे इसमें उड़द का पापड़ भी बन सकता है, चौड़ा फड़ी, मठिया, छोटा वाला डिस्को पापड़ और पानी पूरी, ये सब इसमें बन सकता है, ये सब खाने की आइटम। अब ये कोई ऐसा सेंटर नहीं होगा जहाँ पापड़ या ऐसी कोई चीज चलती नहीं। छोटी मोटी कोई भी दुकान में जाओ तो ये सब हर घर में हर दुकान में चलने वाली चीज है। आपको थोड़ी मेहनत मशीन करेगा, आपको इसका मैनेजमेंट करना है, ऑपरेटिंग में अपना ध्यान रखना है, और जो माल बने वो ठीक से पैकिंग करके आप बाजार में बेच सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आप कितने टाइम से ये बिजनेस कर रहे हो? मैं करीबन 7 साल से कर रहा हूँ। 7 साल से। और मेरी एज है 68 ईयर्स। 68 ईयर्स की उम्र में 7 साल से। मैं और मेरी वाइफ दो ही आदमी है, मेरी वाइफ का एज भी 62 अप्रोक्सीमेट है। खाने की आज में मेरे हिसाब से कभी मंदी होती नहीं। ओके। थोड़ा बहुत ऐसा होता है 100 रुपये की जगह 80 रुपये का काम होगा, मगर होगा जरूर, होगा जरूर। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, ये लोकेशन है हमारा अहमदाबाद गुजरात का, और गुजरात में तो सब लोग बिजनेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि बिजनेस करने से डरना नहीं चाहिए, क्या कैसे किस तरह से सोच रखना चाहिए? इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, डर क्या कीजिए, ये चलेगा नहीं चलेगा ये तो बात है ही नहीं। ये पापड़ जो चीज ऐसी घर घर में चलने वाली, ये तो चलेगा ही चलेगा। रही बात बनाने में जो मेहनत, तो मेहनत जो जितनी है वो सब मशीन करते हैं, तो सिर्फ मैनेजमेंट करना। ओके। और आप माल बनाओ और माल का कटिंग देख लो, कहाँ कहाँ से आप कटिंग कर सकते हो, कौन कौन सी दुकान में रिचार्ज कर लोगे, इसको इतना चाहिए, इसको इतना चाहिए। ये मशीन एक दिन में 20 किलो बनाएगा, 8 घंटे काम करोगे तो 20 किलो रोज का बनता है, तो महीने का 600 किलो हुआ, रोज बनाओ तो जितना आप कटिंग कर सको इतना बनाओ। ये चावल का आता है, चावल का रॉ मटेरियल जो जिस भाव से बिकता है उससे बहुत कम भाव में ये चावल आएगा, जो मार्जिन इसमें ठीक था। ये पहले हम हाथ से बनाते थे, तो रोज का 2-3 किलो तो बहुत मुश्किल से बनता था। उसके बाद हमने सुना यहाँ रिएक्शन करके कोई कंपनी थी, वहाँ हमने गया, बहुत सारे मशीन किस्म के मशीन बनाते हैं, इसके पास से हमने ये पहले मशीन 7 साल के पहले। तो आज भी अच्छा खासा चल रहा है, कोई मेंटेनेंस आज के दिन पे अभी कोई तकलीफ में हुई नहीं है। ओके। तो बढ़िया है दोस्तों बिजनेस करने के बारे में तो बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा है, बट क्या आप जानते हो कि आप खिचिया पापड़ अपने घर बैठे बैठे बना सकते हो? यहाँ पर मैं आपको एक घर में विजिट करने के लिए लेकर आया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि खिचिया पापड़ बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखो लाइव खिचिया पापड़ बन रहा है, अंकल आंटी अपने घर बैठे बैठे बनाते हैं, इस मशीन की मदद से कट हो जाता है। इसकी प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है एकदम सिंपल। सबसे पहले इस तरह की हमारी जैक्सन मशीन की आपकी जरूरत रहेगी, इस जो भी यहाँ पर होगा इसके अंदर पानी रहेगा, मसाला रहेगा, और उसके अंदर नमक ऐड करना होगा। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर इसकी स्वीप दी गई, इसको केवल थोड़े टाइम के लिए आपको हिलाना है, और वो जो आपने खींचा देखा था वो रेडी हो जाता है। तो ये खींचा इस मशीन के अंदर आ जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी कटिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। आपको पता है कि जैक्सन मशीन का जो भी ये मशीन छोटा वाला है, एक दिन के अंदर 20 kg पापड़ निकालता है। इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 20 kg का है पर डे का। तो इसको कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से प्लास्टिक की पन्नी के अंदर डाल देना है, और इसका जो भी वेस्टेज होता है ना दोस्तों, वो भी रीयूज हो जाता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप घर से कर सकते हो।
नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसे क्या करना पड़ता है कि धूप में सुखाना पड़ता है। इसके लिए अगर आप घर से कर रहे हो तो घर की जो भी छत होती है वहां पर इसे सुखा सकते हो। उसका प्रोसेस मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। सुखाने के बाद इसको क्या करना पड़ता है कि उसे आप अपनी खुद की ब्रांडिंग के अंदर पैक कर सकते हो और मार्केट के अंदर सेल करने के लिए रेडी है। ऐसे कि तू डालो उसको फिर इसका संभालने की जरूरत नहीं, इससे डाल दो इससे बेल के निकल जाएगा या कटिंग होगा या ऐसे प्लास्टिक के ऊपर प्लास्टिक रख कर जाओ, एक चिपकेगा नहीं। बाद में इसको धूप में जाके सुखा देने का है। एक पापड़ एक प्लास्टिक ऐसे रखोगे फिर चिपकेगा नहीं और सुखाने में भी आसानी रहेगी। और यहाँ आपका पिन खत्म हो गया तो दूसरा पिन के ऐड कर दो, अपने आप वो ज्वाइंट हो जाएगा। ज्वाइंट होके वो कंटिन्यू रह जाएगा। पापड़ी सुखाने के लिए ऊपर जा रहा है धूप में सुखाने के लिए, ऐसे रख के सुखा देंगे फिर ऊपर छत के ऊपर धूप में सुखा देंगे। तो दोस्तों अभी हम आ गए छत के ऊपर। जैसे कि हमने बात करी थी कि इसको सुखाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं 1 से 2 घंटे भी आप कुछ इस तरह से सुखा दोगे तो आपके पापड़ बन के रेडी हो जाएंगे। इसमें कुछ भी प्रोसेस नहीं, नॉर्मली नीचे से लेकर आए और छत पर सुखा दिया। थोड़ा यहाँ पर धूप रहता है तो इससे क्या थोड़ा वो क्रिस्पीनेस आ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये आधे घंटे पहले सूखा हुआ है तो इसमें आप फर्क देख सकते हो कि थोड़ा शेप आ रहा है कि जो खिचड़िया पापड़ जिसे कहते हैं उसका। तो अभी 1 घंटा जाएगा तो ये प्रॉपर रेडी हो जाएगा। फिर आप अपनी खुद की पैकेजिंग में इसको बना के मार्केट में सेल कर सकते हो और बड़ी आसानी से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस का सेटअप लगाने के लिए डिस्प्ले के ऊपर जो भी नंबर है वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम से बात करके अपना बिजनेस रन कर सकते हो। और दोस्तों इसको पैक करने के भी प्रोसेस एकदम आसान है, उसके बारे में चलिए आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पापड़ का स्टॉक है, देखो ये हमारे पापड़ का स्टॉक है। कस्टमर घर पे आके ले जाते हैं, हम तैयार रखते हैं घर पे आके। ये 1 किलो का 2 किलो का 3 किलो का ऐसे पैकिंग करके रखते हैं। ये चावल का है, ये जिसको पापड़ यही मशीन में बना हुआ है। ये तल के खाते हैं, इसको फ्राई करते हैं। और ये है उड़ीद का पापड़, ये हमारा स्टॉक है। ये डबल मरी, ये सिंगल मरी, इसमें थोड़ा ये ब्लैक पेपर कम होता है, काला मरी। ये धूप में सुखाना बाकी, धूप में सुखाने का बाकी। देखो ये धूप में सुखाने का बाकी है, ये कल रात बना हुआ है। ये रात को बना के आप धूप से दिन भी सुखा सकते हैं। जैसे हमारे कस्टमर हैं जो हमारे घर पे आके ले जाते हैं, ये उड़द का पापड़ है, ये चोखा का पापड़, खिचू पापड़, चावल के पापड़। तो दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आपको कस्टमर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। जैसा कि आप देख रहे हो कि घर पर आके लोग लेके जाते हैं, तो अगर आपके प्रोडक्ट में दम होगा तो इस तरह से आप भी कस्टमर अच्छी तरह से बना सकते हो। तो अगर आप भी इस तरह का छोटा सा सेटअप अपने घर से लगाना चाहते हो तो डिस्प्ले के ऊपर जो भी नंबर है वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जैक्सन मशीन के साथ जुड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो।